रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मटन कोरमे की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चले आए हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने 4 पाउंड मटन का गोश्त लिया है, और ये मेरे पास गरम मसाला है, जीरा है, बड़ी इलायची है, बादियान है, लौंगे हैं, तेज पत्ता है, जायफल जावित्री है, और ये मेरे पास दालचीनी का पीस है। ये मेरे पास स्पाइस की तरफ आते हैं हम। मेरे पास 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबल स्पून मेरे पास गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसी हुई मिर्च है, 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, ये छोटी इलायची है 8 से 10 मेरे पास। मेरे पास 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा है, और ये मेरे पास 10 से 15 काजू हैं। ये है मेरे पास केवड़ा है, और ये मेरे पास 1 कप दही है, और ये जिंजर पेस्ट है, वो गार्लिक पेस्ट है, और ये मेरे पास अनियन है, प्याज जो कि फ्राई हुई हुई है, और ये ऑयल है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डीप पॉट लेंगे, और इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम छोटी इलायची डाल देंगे। अब हम इसमें साथ ही साथ गोश्त डाल देंगे। मैंने इसमें गोई डाल दिए, और इसके साथ हम इसको भूनेंगे। अच्छी तरह से हम इसके साथ इसको भून लेंगे। गोश्त को हम जब तक ऑयल में भूनेंगे, जब तक ये अपना पानी ना छोड़ दे, उसका पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो देखिए हमारे गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे। हमने लहसुन अदरक अलग अलग पीसा हुआ है, अभी हम इसमें सिर्फ लहसुन डालेंगे, और लहसुन के साथ हम इसको भूनेंगे। लहसुन के साथ अच्छी तरह से भुना जाएगा, मतलब हम 2 से 3 मिनट इसको लहसुन के साथ भुनेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हमें लहसुन के साथ भुनते हुए। अब हम इसमें जो हमारे पास स्पाइस रखे हैं वो हम डाल देंगे। ये हमारे पास मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, नमक है हमारे पास, ये सब आप अपनी जायके के मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है, 2 टेबल स्पून मेरे पास पिसा हुआ धनिया है। मैं डाल के इसके साथ भी इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। इसी तरह से मैं इसके साथ भी मसालों के साथ इसको भून लूंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट में मसालों के साथ भूनूंगी इसको। ये देखें मसालों के साथ ये अच्छी तरह हमारा गोश्त भुन गया। अब हम इसमें दही डालेंगे। देखें 1 कप दही थी, हम एक साथ ही डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे इसमें। हम इसके साथ भी इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। दही के साथ भी भुनेगा तो गोश्त में बहुत अच्छा जायका आ जाता है। देखें ये देखें
हम जो बाकी हमारे पास दही है वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ हम इसको भून लेंगे दोबारा। गरम मसाले में हमारे पास ये तेज पत्ता और दालचीनी थी, हम इसमें डाल देंगे। उसके साथ भी हम भूनते रहेंगे। बाकी का जो गरम मसाला है हमारे पास, जीरा, बड़ी इलायची, बादियान, लौंग और जायफल जावित्री, इसको हम पीस लेंगे। दही के साथ हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इस पे जो हमारे पास काजू और खोपरा था पिसा हुआ वो हम इसमें मिला देंगे। काजू और खोपरे के साथ भी हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। दो से तीन मिनट हम इसके साथ भूनेंगे। हमने इसमें, आपने देखा होगा, हमने पहले इसमें सबसे पहले लहसुन डाला था, अदरक नहीं डाला था। अब हम इसमें अदरक भी डाल देंगे। इस समय हमारे पास अदरक का पेस्ट है, भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसके साथ भी हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। इन सब चीजों के साथ हम 2 से 4 मिनट इसको कैसा भून लेंगे। ये देखिए हमने सब चीज के साथ इसको भून लिया है। जो हमने अदरक डाली थी बाद में उसके साथ भी हमने इसको भून लिया है। और इसमें हमने जो थोड़ा काजू खोपरा डाला था वो भी इसमें मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। पानी डाल देंगे और इसको हम पकने रख देंगे। इसमें खोल आ जाए तो फिर हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको पकने रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से हमारा गोश्त गल जाए। देखें इसमें खोल आ गया। अब हम 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकने रख देंगे मीडियम आंच पे। 20 से 25 मिनट हो गए, देख लेते हैं। देखें ये अच्छी तरह से हमारा सालन तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास प्याज थी भुनी हुई वो हम डालेंगे। देखें हम इसमें ये भुनी हुई प्याज डालेंगे। इसको हमने हाथों से चूरा कर लिया था। के साथ भी हम इसको फिर अच्छी तरह से मिलाएंगे इसको। ये देखें कितना प्यारा कलर आता जा रहा है। ये हमारा सारा मसाला अलग और तेल अलग, जो कोरमे की हमारी शक्ल होती है उस तरह की शक्ल में ये आता जा रहा है। खुशबू भी बहुत मज़ेदार सी आ रही है। अब हम इसमें केवड़ा डालेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें केवड़ा डालेंगे। अभी प्याज और केवड़ा डालने के बाद अब हम इसको 10 मिनट के लिए इसको हम बंद करके रख देंगे ताकि ये बिल्कुल तैयार और रेडी हो जाए। आँच इसकी हमें धीमी ही रखनी है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और सही से ही मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ये गरम मसाला ऐड कर देंगे जो हमने आपको दिखाया था, साबुत हमने बनाया था। इसमें ऐड कर दिए, साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें प्याज और गरम मसाला मिला दिया और साथ में हमने इसमें केवड़ा भी डाल दिया। इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम पकने रख देंगे।
10 मिनट हो चुके हैं। हमारा सालन बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप। ये देखिए बिल्कुल कोर, अच्छे कोरमे की लुक आ रही है। बस अब हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा और डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। क्या मज़ेदार कोरमा तैयार हुआ है, सच में बहुत खुशबूदार बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, गरम गरम रोटी के साथ खाया, ये बहुत ही मज़ेदार बना है। जैसे शादियों में बनता है उस तरह की खुशबू इसकी महक रही है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। मिलती हूँ अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।